हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशियंस रेडी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लीनियर, अगर कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है सेकेंड ऑर्डर की, तो हमने आपको मेथड बताया था हम लोग कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के फोर मेथड होते हैं, जिसमें हमने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन के सेकेंड मेथड, यानी कि सेकेंड मेथड का नाम है नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर के, तो में हम नॉर्मल फॉर्म का यूज कैसे करते हैं आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड लिखा है नॉर्मल फॉर्म। देखिए सेकंड मेथड का यूज हम लोग कब करेंगे, जब फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट मेथड क्या था, हमने आपको नोट में 5 पॉइंट लिखवाए थे, या कह सकते हैं फॉर्मूले लिखा। हमने आपको से कहा था कि कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, अगर इसमें ये 5 फॉर्मूले सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट CF लिख देंगे। फिर उसके बाद CF लिखने के y इक्वल टू वी एंड CF वाला फार्मूला अप्लाई करते थे, जहाँ पे CF की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके होते थे और V की वैल्यू फाइंड करते थे। यही हमारा होता था सॉल्यूशन, जब V की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देते थे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता था। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में क्या होगा, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल होगी सेकंड ऑर्डर, उसमें ये 5 फॉर्मूले तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा करेंगे वाई इक्वल टू यू वी। फर्स्ट मेथड क्या था, वहाँ पे हम लोग यू और CF लिखते थे। देखिए CF हम लोग फाइंड करते थे, CF और V दोनों ही फाइंड, CF हम लोग पहले ही फाइंड कर लेते थे जो वैल्यू पुट कर देते थे, एंड V हम लोग फाइंड करके वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे यू और V है, तो यू और V दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, यही हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पे हमें यू और V की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी पड़ेगी। यू और V क्या होंगे, इसके लिए 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। देखिए नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं इसे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम वाई होगी, d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का q y = में लिखा हुआ है x। अगर कोई भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड फर्स्ट वाला मेथड उसमें अप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करना है। इक्वेशन में कहेगा नहीं कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करें, या कोई आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन लेट। इसके बाद अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले पी और क्यू और एक्स तीनों की वैल्यू कंपेयर करा करेंगे, उसके बाद लिख दिया करेंगे देन लेट वाई इक्वल टू यू वी। वाई इक्वल टू हम लोग यू वी लेट कर लेंगे, बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पे यू और वी हमें फाइंड करें, तो यू के लिए देखिए लिखा हुआ है वैन यू इक्वल टू फार्मूला दे रखा है e^-1/2 इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है p dx। ये हमारा यू के लिए फार्मूला है, इसमें हम लोग पी की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वी, यहाँ से हम लोग को वी की वैल्यू मिला करें। इसके लिए फार्मूला है d2v/dx² प्लस का q^-1/4 p^-1/2 dp/dx लिखा हुआ है, एंड वी लिखा है इक्वल में लिखा हुआ है x e^(1/2) इंटीग्रेशन में p dx लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। देखिए वी का जो फॉर्मूला है उसमें -(-1/2 p dx है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1/2 p dx, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी गलती हो सकती है। आप अगर डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पे पुट, क्योंकि आप लोग यू की वैल्यू निकाल चुके और जो यू की वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन की वैल्यू हुई, तो आप अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हो तो वो हमारा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू माइनस में, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस तरह आज की क्लास में हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है, एंड उसके बाद MCQs सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में पेपर MCQs भी हो रहे हैं। तो देखिए ये आपको मेथड है, सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, अगर उसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं करें, तो आपको क्या करना है, y = uv रखना है, वही आपको फाइनल सोल्यूशन, यानी कि बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। फिर u की वैल्यू निकालेंगे एंड v की वैल्यू निकालेंगे, दोनों के लिए लिखे हुए फॉर्मूले, वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में, यानी कि इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि यहाँ पे लिखा होगा सॉल्व, यानी कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन देगा तो हमेशा ये लिखेगा कि सॉल्व करिए, आपसे ये नहीं कहेगा नॉर्मल फॉर्म से करिए या और भी कोई मेथड जो हम आपको बताएंगे उससे सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x²d2y/dx² - 2 लिखा है, x² + x लिखा है, dy/dx लिखा है, +x² + 2x लिखा है, +2, एंड y इक्वल में वैल्यू चल रही है 0। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने की है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए d2y/dx² है, उससे फ्री, यानी कि उसका जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोफिशियंट चल रहा है x², तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x / x²
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अगर लिख लीजिएगा, चाहें तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से कर देंगे डिवाइड, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ पे भी डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे भी डिवाइड होगा। जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे कोफिशियंट वन हो गया। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन बचा। प्लस का निशान लगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल, वन अपॉन एक्स बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट जेड लिखा रहे। प्लस का निशान लगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू बची वन। टू एक्स लिखा है अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू अपॉन एक्स। प्लस का निशान लगाएंगे, टू ओनली कॉन्स्टेंट लिखा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर, टू अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल में जीरो लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लेंगे। तो भाई कंपेयर करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल में एक्स। अब यहाँ से हम लोग पी की, क्यू की और एक्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो पी की वैल्यू देखिए, जब कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या प्लस में होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस का आएगा टू और वन प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमारी जो है वो माइनस यानी कि निगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए जब पी की वैल्यू हमने कंपेयर करी तो माइनस का टू बाई एक्स। उसके बाद देखिए क्यू की वैल्यू जब कंपेयर करी तो क्यू की वैल्यू देखिए एट जेड यहाँ पर प्लस चाहिए, अगर प्लस ही लिखा हुआ है एंड जो क्यू की जगह पे लिखा तो वही हमारी क्यू की वैल्यू होगी, वन टू अपॉन एक्स प्लस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे देखिए इक्वल में क्या लिखा हो, जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, जीरो दे रखी है। तो भाई देखिए पी क्यू और एक्स की वैल्यू हमने कंपेयर कर ली। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला दे रखा था नॉर्मल के लिए यानी कि वी फाइंड करें, यहाँ पे हमें डी पी अपॉन डी एक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पी का एक्स में डिफरेंशिएशन की हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग पी की जो वैल्यू पी का है हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स का, तो क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है जब हम लोग यू वी की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हमने पहले ही डी पी अपॉन डी एक्स फाइंड सॉल्व कर दिया। क्या भाई, जब पी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, टू एज अ कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो। उसके बाद टू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस का, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है माइनस का टू अपॉन एक्स, तो माइनस का टू अपॉन एक्स, माइनस का टू एज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हमें करना है इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन एक्स का, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है माइनस के वन अपॉन एक्स का। तो देखिए माइनस एट इज इट आएगा, एक्स की पावर कितनी है वन है, वो भी प्लस की, अगर इसे ऊपर लिखें तो एक्स की पावर माइनस का वन हो जाएगी। एंड फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन आता है एक्स की पावर एन माइनस का वन, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो देखिए माइनस का वन पहले से ही चल रहा है तो माइनस का वन आएगा आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिए पहले से चल रहा है माइनस का वन आएगा तो माइनस का वन ये लिखा हुआ, एक्स की पावर माइनस का वन है उसमें एक माइनस और आएगा यानी कि एन माइनस का वन, तो एन की जगह यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस का वन, तो माइनस का वन माइनस, तो देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया हमारा x की पावर माइनस का टू। तो जब x की पावर माइनस का टू हो गया तो माइनस का टू ऊपर लिखिए उसे अपॉन में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन टू अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए dp अपॉन dx निकाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्या, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, पी क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद dp अपॉन dx निकालेंगे एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए लेट कर लेते हैं यू इक्वल टू वी एंड यू, सॉरी y इक्वल टू यू वी लेट कर लेंगे। यही हमारे देखिए लिखा हुआ बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट यहाँ पे क्या हमें u और v फाइंड करने पड़ेंगे। तो लिख दिया हमने वैन u इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर माइनस का वन बाई टू इंटीगेशन में आएगा p dx, p की वैल्यू जो हम लोगों ने कंपेयर करी यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद इंटीगेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही u की वैल्यू हो जाएगी। चलिए यहाँ पे p की वैल्यू जब पुट करेंगे तो u एट इज लिखा रहेगा, e की पावर में आएगा माइनस का वन बाई टू एंड अब देखिए यहाँ पे p की वैल्यू क्या दे रखी है, p की वैल्यू माइनस का टू एंड माइनस का टू बाई एक्स, तो ये माइनस का टू लिखा है माइनस का टू बाई लिखा हुआ है x एंड ये देखिए dx एट डिफरेंश इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस का टू कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा माइनस का वन बाई टू एंड माइनस का टू कॉमन लेंगे, ये देखिए इंटीग्रेशन में और यहाँ पे बचेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स एंड ये लिखा हुआ है dx। माइनस का टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया एंड टू से टू हो गया कैंसिल, यानी कि e की पावर में ओनली बचा यहाँ पे इंटीग्रेशन में वन प्लस वन अपॉन एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों के ही साथ जाएगा, वन के साथ भी आएगा वन अपॉन एक्स के साथ, तो जब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में कर लेते हैं डिवाइड। अब देखिए e की पावर एक बार आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन डी एक्स एंड ये देखिए इंटीग्रेशन में आ जाएगा वन अपॉन एक्स एंड डी एक्स। इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखिए e की पावर में कभी भी अगर e की पावर ऐड लिखी यानी कि e की पावर लिखा हो a प्लस का b,
ई की पावर में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर ए एंड मल्टीप्लाई में ई की पावर बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर जो है वो ऐड होती है। यहाँ पे भी देखिए ऐड ही करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब कभी वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स एंड ई की पावर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। ठीक है, वन अपॉन इंटीग्रेशन का क्या होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स। अब देखिए जब कभी भी ई लिखा हो एंड लॉग लिखा हो पावर में, ये लिखा हुआ एक्स, तो इसकी वैल्यू तो हो जाती है वन, यानी ई की पावर में लॉग कभी भी आपको कहीं भी लिखा देगा किसी भी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो ये तो वैल्यू वन हो गई, तो यहाँ पे ओनली बचा ई की पावर एक्स, और ये एक्स चल रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई में आएगा एक्स, यानी कि यू की वैल्यू क्या आ गई, यू की वैल्यू आ गई एक्स ई की पावर एक्स। तो ये हमें मिल गई है यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नंबर सेकेंड का यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, ये हमारा लिखा हुआ फॉर्मूला नंबर सेकेंड लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वी फॉर्मूला, ये अप्लाई है, बस यहाँ पे हमें से ओनली वैल्यू पुट करनी है। देखिए डी वी अपॉन डी डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू की वैल्यू ये पूरी देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे वन, प्लस में आएगा टू अपॉन एक्स, प्लस में आएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड अब देखिए वन अपॉन फोर एट जेड रहेगा वन अपॉन फोर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, यानी कि ये पूरे का इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू वाई एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का वन बाई टू एट माइनस का वन बाई टू एट जेड दिखा रहेगा, एंड डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखिए ये लिखिए टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में टू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग ई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमने आपसे कहा था यहाँ पे इस वाली फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यू की वैल्यू निकाली उसमें ई की पावर माइनस का वन बाई टू है, लेकिन यहाँ पे ई की पावर प्लस का वन बाई टू है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है जीरो, और जब एक्स की वैल्यू जीरो दे रखी है तो हमें ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर हम निकाल के वैल्यू पुट भी करेंगे तो एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो इसीलिए इक्वल में हमने डायरेक्ट लिख देंगे जीरो। अगर मान लीजिए आपको इक्वल में जीरो नहीं दे रखा होगा तो कुछ वैल्यू दे रखी तब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, एंड एक्स की वैल्यू पुट करेंगे फिर दोनों ही वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई जीरो, क्योंकि इक्वल में जो वैल्यू है वो जीरो लिखी हुई है, टू से टू देखिए कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे वन टू अपॉन एक्स, प्लस का आएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का वन बाई फोर, एंड देखिए टू का स्क्वायर करेंगे फोर, प्लस का निशान, अब देखिए माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड जब देखेंगे टू ए बी तो टू आएगा माइनस का टू आएगा माइनस का टू बाई एक्स आएगा, यहाँ पे भी देखिए वैल्यू कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, बट टू टू जो हो जाएगा फोर, फोर टू जो हो जाएगा एट, तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा एट अपॉन एक्स, और यहाँ पे माइनस का चलेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो गया और इक्वल में आ रहा है वैल्यू जीरो। वन अपॉन फोर की पूरी इस पूरी वैल्यू से सॉरी पूरी वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई इससे, एंड माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड प्लस में आ जाएगा हमारा वन टू वाई एक्स, प्लस का आएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का देखिए जब यहाँ पे वन बाई फोर से मल्टीप्लाई तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का वन, एंड जब यहाँ पे करेंगे तो फिर से फोर कैंसिल है, माइनस का बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर, एंड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा फोर, यहाँ पे बचेगा माइनस का टू अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर, इक्वल में वैल्यू चल रही है जीरो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारी कौन सी इक्वेशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करें, यानी कि यहाँ पे अब कौन सी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हमें सी एफ और पी आई निकालना पड़ेगा, सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, एंड वही हमारी वी की वैल्यू हो जाएगी, फिर दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का वन लिखा है, ये माइनस का वन, तो वन से वन तो हो गया कैंसिल, उसके बाद देखिए वन टू वाई एक्स लिखा हुआ, प्लस का टू वाई एक्स लिखा है माइनस का, तो ये वैल्यू भी होगी कैंसिल, एंड ये देखिए टू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, ये देखिए माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी कि माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये देखिए लिखा हुआ प्लस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी कैंसिल, यानी कि पूरी ये देखिए पूरी वैल्यू क्या हो गई जीरो।
तो यहाँ पे इसके बाद हमें मिलेगा क्या, तो इसके बाद बचा हुआ है डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड इक्वल में भी क्या चल रहा है, जीरो। अब देखिए ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली है, कोई इक्वेशन नहीं, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। ठीक है, जब कभी इस कंडीशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल में लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन में हमेशा एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है, तो ये लिखा हुआ है सी वन। एंड अब फिर से अब करेंगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेशन। देखिए अगर यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन मिल रही होगी, जैसे लीनियर इक्वेशन या कोई और भी इक्वेशन मिल रही है जिसमें हम लोग सी एफ और पी आई फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस वाले मेथड में आपको लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं, जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें हमेशा लास्ट में लीनियर इक्वेशन बनेगी, एंड इस वाले मेथड में आपको इक्वेशन मिलेगी जिसमें हम लोग सी एफ एंड पी आई फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन नहीं बनी, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, तो इंटीग्रेशन करेंगे डी वी अपॉन इंटीग्रेशन, देखिए पावर चल रही थी तो इंटीग्रेशन करते ही पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पे हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन में हमेशा एक कॉन्स्टेंट ऐड करते तो हमने सी वन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेशन, डी वी थ्री रहेगा डी एक्स को हम लोग इसके साथ लिखेंगे, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करके वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन, तो ये लिखा हुआ है डी वी एंड ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, सी वन आएगा यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, और फिर से एक कॉन्स्टेंट सी टू ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वी इंटीग्रेशन डी वी लिखा तो वी हो जाएगा इक्वल में आएगा सी वन, और एक्स प्लस का हो जाएगा सी टू। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई है वी की। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई वी की। अब देखिए यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी एक्स ई की पावर एक्स, एंड वी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है सी वन एक्स प्लस का सी टू। तो इन दोनों ही वैल्यू को अब सॉल्यूशन, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइनल आंसर हमारा लिखेंगे यू इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू लिखा हुआ था यू वी, एंड यू की वैल्यू क्या चल रही है, यू की वैल्यू लिखी हुई है एक्स ई की पावर एक्स, एंड वी की वैल्यू चल रही है सी वन एक्स प्लस का सी टू। ये हमारी वाई की वैल्यू, यानी कि ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगे। बस वाले मैटर में आपको क्या फाइव फार्मूले याद करें, अगर उसमें से कोई फार्मूला सेटिस्फाई करे तो डायरेक्ट सी एफ लिखेगा, उसके बाद वाई इक्वल टू वी सी एफ, यहाँ पे आप सी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए सी एफ की वैल्यू एक्स आ रही तो वी एक्स हो गया, वी की वैल्यू निकालेंगे। वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे भाई, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रखी इसका हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे, उसके बाद डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते थे। दोनों ही वैल्यू को जो इक्वेशन यानी कि हमें दे रखी होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें पुट कर देते थे, वहाँ से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलती थी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या था भाई, आई एफ निकाल लेते थे, उसके बाद सोल्यूशन निकालते थे, यहाँ से हमें वाई की वैल्यू, वाई की जगह फिर हम लोग रखते थे डी वी अपॉन डी एक्स, जब डी वी अपॉन डी एक्स लिखते थे तो यहाँ से हमें वी की वैल्यू मिल जाती थी, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देते वही हमारा आंसर हो जाता। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में आपको क्या करना, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उससे पी क्यू एक्स कंपेयर कर लेने हैं, कंपेयर करने के बाद वाई इक्वल टू वी और यू और वी, ये फार्मूला अप्लाई करना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको यू और वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यू के लिए भी हमने आपको फार्मूला बता दिया, एंड सेकेंड नंबर पे वी के लिए, यानी कि ये देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फार्मूला बता दिया, और सेकेंड मेथड को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालेगा यू और वी की, फिर उसके बाद जब वैल्यू निकल आएगा तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में यू वाई इक्वल टू यू वी लिखेगा, यहाँ पे यू की वैल्यू एंड वी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है सॉल्व करें कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एंड वाई इक्वल टू दे रखा है एक्स ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई टू। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, तो वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया उसी मेथड का यूज़ करके इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टी पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल में एक्स से कंपेयर करेंगे, यहाँ से पी क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब कंपेयर करके पी क्यू एक्स मिल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, लेट कर लेंगे वाई इक्वल टू यू वी एंड उसके बाद क्या वाई इक्वल टू यू वी जो वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यू और वी की वैल्यू बस यहाँ पे हमें फाइंड करके पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कंपेयर करती है एंड पी का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स। तो हमें देखिए एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वन हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो गई टू, यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है टू। उसके बाद हमें लिख दिया लेट यू सॉरी वाई इक्वल टू यू वी बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि वाई इक्वल टू यू वी हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। उसके बाद देखिए वैन लिखा हुआ है यू की वैल्यू फाइंड करेंगे वी की वैल्यू, सबसे पहले हमें लिखते हैं वैन यू इक्वल टू फार्मूला, हमने आपको अप्लाई करके बताया क्या फार्मूला, हमने आपको दोनों के ही फार्मूले लिखवाए यू एंड वी के लिए।
यू इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन में आता है पी डी एक्स। यहाँ पे हम लोग पी की वैल्यू पुट करेंगे एन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे वही हमारा यू की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1/2 एट इज रहेगा, पी की वैल्यू क्या चल रही है 2x, तो देखिए 2x रख दिया तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का इंटीग्रेशन में आएगा x dx, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एट इज लगा। देखिए जब हम लोग u की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट c ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है। जब हम लोग इंटीग्रेशन अपने पास जैसे यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन वेरिएबल से अपने वेरिएबल इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई पहले से ही फॉर्मूला दे रखा है तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद एक कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए क्या इंटीग्रेशन का, तो ये यू इक्वल टू आगे ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो गई हमारी यू की वैल्यू। सेकेंड नंबर पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वी, यहाँ से हम लोग वी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस का 1/4 पी स्क्वायर माइनस का 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स यू इक्वल में लिखा एक्स ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दे रही है, यानी इक्वल में कुछ वैल्यू लिखी तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा एंड एक्स की वैल्यू पुट करें। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स की वैल्यू जीरो तो वो पूरी वैल्यू क्या हो गई थी जीरो हो गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट इज लिखा रहेगा प्लस का निशान लगाएंगे, क्यू की वैल्यू देखिए दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का फोर सॉरी प्लस का फाइव माइनस का 1/4 एट इज रहेगा, पी की वैल्यू दे रखी है टू एक्स और पी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस का निशान लगाएंगे 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 एंड वी एट इज लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू जो वो जीरो नहीं होगी ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं है तो यहाँ पे वी एट इज चलता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व करा तो पूरी वैल्यू हो गई थी जीरो, इसलिए वहाँ पे वी भी जीरो हो गया था। इक्वल में एक्स की वैल्यू देखिए लिखी हुई है एक्स ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर इंटीग्रेशन देखिए 1/2 एट इज लिखा हुआ है एंड पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या चल रही थी 2x एंड डी एक्स, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल देखिए x लिखा e की पावर माइनस का लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू एंड e की पावर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर देखिए वैल्यू माइनस चल रहा था फॉर्मूले में तो माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस चल रहा था तो प्लस आ रहा। अब देखिए हमने आपको बताया जब कोई भी मल्टीप्लाई में वैल्यूज लिखी होगी तो पावर हमेशा ऐड करती है, कब जब वैल्यू मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू जैसे e की पावर लिखा हो a e की पावर b लिखाओ a की पावर लिखाओ c एंड a की पावर लिखाओ d, तब इस कंडीशन में जब वैल्यू सेम होगी तो इनकी पावर हमेशा ऐड होती है। तो देखिए यहाँ पे a की पावर लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू एंड e की पावर लिखा है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की ऐड करें तो वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि एक वैल्यू प्लस है एक माइनस है, तो e की पावर क्या हो जाएगा जीरो, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी ये पूरी वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा x, इसे हम लोग सॉल्व अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एट इज लिखा रहेगा प्लस का 4 से 4 देखिए ये कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए बचेगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का निशान लगाएंगे एंड देखिए एक्स स्क्वायर एट इज लिखा रहेगा प्लस का 5 भी लिखा रहेगा एंड देखिए माइनस लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बचे तो माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा 2 एट इज यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 एंड ये देखिए एक मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है वी चल रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ अब 5 में से बन जाएगा तो बचेगा 4 और वी मल्टीप्लाई में एट इज रहेगा क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैल्यू जीरो हो गई थी तो इसीलिए वी भी जीरो था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वी से। चलिए इसके आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट इज लिखा रहेगा प्लस का आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 5 में से बन जाएगा 4 तो यानी कि प्लस का आएगा 4v इक्वल, देखिए ये वाली पूरी वैल्यू हो गई थी हमारी 1 एंड ओनली बचा था x, ये बचा रही है हमारी इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखे होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इससे तो हम लोग लिख देंगे d² प्लस का 4v इक्वल में आ जाएगा x ठीक है, हम लोग इसे इसी अकॉर्डिंग लिखते थे। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करते थे एक्चुअली इक्वेशन फाइंड करते थे, एक्चुअली इक्वेशन को हम लोग ए और ई से डिनोट कर देते थे शॉर्ट फॉर्म में, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं एक्चुअली इक्वेशन। एक्चुअली इक्वेशन के लिए क्या करते थे यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल में लिख लेंगे 0 एंड सॉरी यहाँ पे भी आपको 0 लिखे या चाहें तो यहाँ एक्स लिखे, लेकिन जब एक्चुअली इक्वेशन लिखते हैं तो डी की जगह एम रखते हैं इक्वल में क्या देते हैं 0, यहाँ से हम लोग एम की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर।
तो जब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे m स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। अब माइनस का 4 हो गया यानी कि माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 की वैल्यू होती है, इसे हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 आई स्क्वायर। तो एम की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो आएगी प्लस माइनस 2i। जब प्लस माइनस 2 आएगी तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2i। 0 को हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर अल्फ़ा, या इसे हम लोग कंपेयर करते हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में सॉल्व किए होंगे। सी एफ और पी आई के मेथड होते हैं, कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, रूट हमारे इक्वल आ जाए, अनइक्वल आ जाए। डी टू वी देखिए इसका मतलब है डी, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है टी। वी देखिए यहाँ दोनों से ही हमने कॉमन लेके लिया, इसका मतलब होता है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को, जब कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म के हैं तो हमेशा यही फॉर्म बने। अगर इक्वल में जीरो दे रखा हो तो फॉर्मूला चेंज, जैसे मान लीजिए इक्वल में जीरो या ये वाली इक्वेशन जीरो बन जाती तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन अगर इक्वेशन बन रही तो हमेशा यही इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हम लोग सी एफ और पी आई फाइंड करेंगे। तो देखिए सी एफ का मेथड क्या होता है, सी एफ के 5 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, एक होता है जब रूट इक्वल होते, एक होता है जब रूट अनइक्वल, और भी फॉर्मूले होते हैं आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े। यहाँ पर भी हम आपको एक एक करके जैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में वैसे ही फॉर्मूले बताए भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो रियल नंबर का काम करता है, जो बीटा है वो इमेजरी नंबर का काम करता है, क्योंकि आई जो है वो हमारा एक इमेजरी नंबर होता है, इसे हम लोग आयोटा से इसे हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, आई देखिए हमें दे ही रखा फॉर्मूले में भी, तो यहाँ ये हम लोग होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। इस टाइप के जब कभी भी अल्फा प्लस आई बीटा वाले रूट होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट पर, तो इसमें हम लोग सी एफ का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सी एफ का फॉर्मूला, सी एफ का मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस का सी टू साइन बीटा एक्स, एंड ये देखिए ब्रैकेट के बाहर आएगा ई की पावर अल्फा एक्स। ये सी एफ के लिए फार्मूला होगा जब रूट हमारे कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे। ठीक है, और भी फार्मूला होते हैं जब रूट हमारे अनइक्वल होंगे, रूट इक्वल आते हैं एंड रूट कॉम्प्लेक्स में भी डबल, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा रूट आ रहा है एक, सॉरी अल्फ़ा प्लस आई बीटा रूट आ रहा है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ रहा है, तो इस टाइप के अगर तो बहुत से फार्मूले, यहाँ पे 5 फार्मूले होते हैं। तो ये आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा, तो हम आपको बता रहे क्या फार्मूला होता है जब कहीं भी रूट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस का सी टू साइन बीटा एक्स, एंड ब्रैकेट के बाहर आएगा ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा क्यू बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारा फाइनल सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सी एफ इक्वल टू आ जाएगा सी वन एट द रेट, देखिए बीटा की जगह क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 2x प्लस का निशान लगाएंगे आएगा सी टू साइन 2x। अब देखिए ई की पावर में अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखेंगे 0, और किसी की भी पावर 0 की उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो हो गई 1, तो ये हो गया सी एफ। अब क्या निकालेंगे, सी एफ निकल गया, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पी आई। तो पी आई का मेथड क्या, देखिए पी आई हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी हो इक्वल में उसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स एंड अपॉन, इसके अपॉन में ये वैल्यू आ जाती है, यानी कि डी स्क्वायर आएगा प्लस का आएगा 4। ये होता है पी आई का मैथड। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी सॉल्व हुए, जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं एंड जिनके एम सी क्यूज हैं उन्होंने भी सॉल्व करे होंगे। तो यहाँ से पी आई के भी मैथड अलग अलग होंगे, पी आई के तो बहुत से मैथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथड अप्लाई होगा वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो मैथड अप्लाई हो रहा है, देखिए एक्स एट इधर लिखा रहेगा, यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4। देखिए जब 4 कॉमन ले तो यहाँ पे 4 नहीं था तो 4 से डिवाइड होगा। अब इसके आगे देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वल में देखिए x एट इज़र लिखा रहेगा, अपॉन में 4 भी एट इज़र लिखा रहेगा, एंड x जो है वो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा 1/4, एंड उसके बाद देखिए इस ये वैल्यू प्लस में अपॉन में लिखी तो पावर क्या है 1, और वो भी प्लस की, जब ऊपर ले जाएंगे इसे तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस का डी स्क्वायर बाई 4 एंड पावर जाएगी माइनस में, और एक्स जो लिखा हुआ वो इसके इधर साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे हर एक वैल्यू से, तो यहाँ पे देखिए आएगा 1/4 एट इज़र लिखा रहेगा, एंड 1 प्लस का आ जाएगा डी स्क्वायर
अपॉन फोर एंड बाकी एट द वैल्यू चलती रहेंगी, और ये लिखा हुआ है एक्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करने, देखिए फॉर्मूले तो काफ़ी टर्म थे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो एन टर्म के लिए होगा, ठीक है। जब एन टर्म के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आगे भी जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए पहला आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, फिर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे ही हमारे चलते हैं एक्स की पावर क्यूब बाई थ्री, ठीक है। ऐसे ही टर्म आगे चलते हैं, कहाँ तक जाएंगे, एन टर्म तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम ओनली किसके दो टर्म तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दें। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई फोर, फोर की भी मल्टीप्लाई सब इन सभी से होगी और एक्स की भी। और जब एक्स की मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर लिखा है डी टू, ये देखिए 1/4 तो एज अ कॉन्स्टेंट है, और ये लिखा हुआ डी स्क्वायर और ये लिखा हुआ एक्स। डी स्क्वायर का मतलब होता है डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन, अगर देखिए 1/d लिखा हो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, लेकिन अगर डी लिखा हो एंड मल्टीप्लाई में लिखा हो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर लिखा और एक्स लिखा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दो टाइम डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी स्क्वायर लिखा है यानी कि d2/dx², यानी कि दो टाइम डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स का। एक्स का देखिए जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करें, तो यहाँ पे आएगा 1/4 एंड डी गिवन, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ तो वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि जब 1+x रखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 0। जब यहाँ पे ही वैल्यू 0 हो गई, तो इसके आगे के जितने भी टर्म आएंगे वो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग कितनी टाइम भी कर ले वो 0 ही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, x/4 ये वैल्यू आ गई है पी आई की, इक्वल में आ रहा है x/4। तो देखिए सी एफ निकल गया है, पी आई निकल गया, आप क्या लिखेंगे, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो ये लिख देंगे सोल्यूशन, एंड v इक्वल टू आएगा सी एफ प्लस का पी आई। वी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये इक्वेशन किस में थी, इक्वेशन जो बी में है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में v इक्वल टू वैल्यू आएगी, तो v इक्वल टू फार्मूला होता है सी एफ प्लस का पी आई। सी एफ और पी आई दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। तो v इक्वल टू सी एफ की वैल्यू देखिए यहाँ पे आ रही है हमारी c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x, एंड ये देखिए लिखा हुआ है पी आई की वैल्यू आ रही है x/4, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि v की और u की दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। सी एफ प्लस पी आई में क्या आएगा x/4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा d2+4 यानी कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, 4 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इक्वेशन भी देखिए यहाँ पे इक्वेशन बी में चल रही थी, आप लोगों ने जब सेकेंड सेमेस्टर में सॉल्व, वहाँ इक्वेशन वाई में चल रही होगी, तो वहाँ पर हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्जुअली इक्वेशन निकाली, एक्जुअली इक्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो भी इक्वेशन उसको इक्वल में कर देंगे हम लोग 0। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत ही इजी इक्वेशन लिखा हुआ था m² + 4, कभी कभी इक्वेशन आती है m³ + m² + 2m + 4, इस टाइप की इक्वेशन भी कभी कभी आ जाती है। इन्हें सॉल्व करने के अपने मैथड होते थे, कि सभी इक्वेशन को सॉल्व करने के मैथड अलग अलग होते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग एम की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे रूट कैसे निकल के आए थे, कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स निकल के आया, तो कॉम्प्लेक्स के लिए सी एफ का जो मैथड फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई कर दिया एंड सी एफ की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद पी आई के लिए देखिए, पी आई के लिए हमने क्या करा, पी आई का मैथड, पी आई के भी सॉल्व करने के बहुत ही मैथड होते हैं, तो इससे जो भी मैथड अप्लाई हो रहा था यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या, जब पी आई की वैल्यू, तो हमने लिख दिया सोल्यूशन में वी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू निकल आए। यू की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है, वी की वैल्यू ये रही। अब उसके बाद लिख देंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वाई इक्वल टू आएगा यू वी, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यू की वैल्यू देखिए ये देखिए ई की पावर माइनस का x² / 2, एंड वी की वैल्यू लिखी हुई है c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x, एंड प्लस में आएगा xy 4,
ये आ गई हमारा फाइनल आंसर, यानी कि ये हो गया वाई इक्वल टू जो भी वैल्यू, ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर। चाहे तो इसे आप सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमने आपको मेथड फर्स्ट बताया था वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड से। एग्जाम में जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चन कम आते हैं, बट जो फर्स्ट वाला जो हम आपको आगे फोर्थ मैथड बताएंगे यानी कि वेरिएशन पैरामीटर, इन दो मैथड से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन जिनके एम सी क्यूज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सब में जितने भी हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे सारे मेथड सब में यही रहेगा, बस यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड अलग अलग होंगे। देखिए इक्वेशन भी यही, बस यहाँ पे जो सीएफ दे रखा है, सीएफ यहाँ पे जो लिखा हुआ इसके मेथड, यानी कि अगर रूट अनइक्वल आएंगे इक्वल आएंगे तो सबके अलग अलग मेथड होंगे। ये भी हम आपको आगे क्लासेस में बता देंगे, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं एन पी आई, बस आपको इनके मेथड देखने। चाहें तो आप सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके पास अगर नोट्स हो तो वहाँ पे सीएफ और पी आई के फॉर्मूले आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी यही मेन है यहाँ पे, बाकी इक्वेशन सब में यही रहेगी, मेथड भी यही रहेगा। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड एम सी क्यूज के बारे में। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ टू चेंज द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन क्या दे रखी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू टेन एक्स लिखा हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, प्लस का फाइव वाई इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। इन नॉर्मल फॉर्म इन्होंने क्या रखा, इक्वेशन जो वो नॉर्मल फॉर्म है। वी शुड वी हैव द वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे जो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जेड की फाइंड करनी है आर, और वैल्यू जेड की आर क्या रही है, इसका राइट आंसर होगा sec x, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये कैसे वैल्यू हुआ इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हम लोग पी क्यू एक्स कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे जेड का मतलब देखिए हम आपको बताते हैं कि जेड का मतलब क्या है। देखिए इक्वल में वैल्यू क्या चल रही है, जीरो। यहाँ पे जेड का मतलब किससे, जेड का मतलब है U से, यानी कि Z जो है वो यहाँ पे U के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे U की वैल्यू पूछी, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या, U को काय से डिनोट कर दिया, Z से डिनोट कर दिया, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले तो इक्वेशन लिखी हुई, चलिए इक्वेशन नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर लेते, क्योंकि अब इक्वेशन तो आपको पता चली गई होगी क्या होता। तो यहाँ पे मान लीजिए पी की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, माइनस का टू टेन एक्स आएगी। तो पी इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे माइनस का टू टेन एक्स। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमें यू ही क्यों फाइंड करना, क्या पता वी फाइंड करना हो, नहीं। देखिए अगर हम लोग वी फाइंड करेंगे, मान के चलिए अगर मान लीजिए हमें वी वी का फॉर्मूला, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें वी फाइंड, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। पी वी का फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, यानी कि कोई भी अगर इक्वेशन हम लोग जब भी वी फाइंड करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसका सी एफ फाइंड करते, सी एफ फाइंड करने के बाद पी आई फाइंड करते, दोनों को ऐड करते, वही हमारी वी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे वी की वैल्यू में फाइंड करें तो यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई यानी कि sec x तो नहीं आएगा। हम लोग सी एफ प्लस पी आई, हमने आपको बताया सी एफ को सॉल्व करने के मेथड यानी कि फॉर्मूले अलग अलग है, इक्वल रूट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सी एफ जब प्लस पी आई करें तो sec x नहीं बनेगी, क्योंकि पी आई को सॉल्व करने की भी मेथड डिफरेंट है। इस टाइप का आंसर कभी भी नहीं आएगा। और यू वी की बात करें तो देखिए वाई इक्वल टू, अगर वाई फाइंड करना हो तो u और v होता है, ठीक है। u का आंसर, u में u की वैल्यू होती है e की पावर पी डी एक्स, यानी कोई कोई मान लीजिए अगर u की वैल्यू 1 भी हो गई, u की वैल्यू 1 भी हो गई, तब भी v इक्वल टू क्या, सी एफ प्लस पी आई, यानी कि v और u तो नहीं है हमें फाइंड करना, तो क्या बचा है, u रह गया। अब u को फाइंड करके चेक करते हैं, अगर यही आंसर आ रहा होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो p इक्वल टू हमने कब पे, देखिए फॉर्मूला होता है डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू y इक्वल में x, x की वैल्यू चल रही है 0, q की वैल्यू 5, और ये देखिए ये पूरी हो जाएगी p की वैल्यू, क्योंकि बीच में होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस में आएगा 2 टेन एक्स। उसके बाद q की वैल्यू लिख लीजिए, q की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। चाहे तो आप ओनली p की कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे हमें u फाइंड करना है तो u में ओनली हमें p की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट u को कैसे डिनोट करना है, जेड से, या लिख लीजिए u इक्वल जेड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जेड चाहिए, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग यानी कि हम जो आपको फॉर्मूला लिखवा है वो यू के लिए लिखवा है। यहाँ पे यू इक्वल टू हो जाएगा जेड, एंड फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन में आएगा माइनस का 2 टेन एक्स, एंड के लिखा हुआ है डी एक्स। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया, तो ई की पावर में आ गया इंटीग्रेशन में टेन एक्स। और जब कभी भी आप लोगों टेन एक्स एंड डी एक्स, और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन में जब कभी भी लिखा होगा टेन एक्स एंड डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स। ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग नोट में लिख लीजिए, एंड देखिए ई की पावर में क्या हो जाएगा लॉग, एंड ये आ जाएगा सेक एक्स, और हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू ई की पावर लॉग की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया,
एक्स, और ये वैल्यू किसकी होगी, जेड की। यही हमारा आंसर, एंड यही आपको राइट वाला टिक कर देना, यानी कि सेक एक्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू इक्वल में, अब देखिए एक्स की जगह क्या आर से डोट कर दे, तो एम सी क्यूज में बोलो पी की जगह भी कुछ लिख सकते हैं, एक्स की जगह देखिए यहाँ पे आर लिख दे, क्यू की जगह वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू यानी कि कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी कॉन्स्टेंट तो नहीं कहेंगे यहाँ पे फंक्शन लिख सकते, क्योंकि पी क्यू और एक्स जो है वो फंक्शन किसके होते हैं, ओनली एक्स के फंक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है एक्स का, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट इन्होंने लिख दिया, एक्स की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट में लिख दी, तो यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए इज गिवन वाई, क्या गिवन दे रखा है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का आई वी इक्वल में दे रखा है एक्स, वेयर आई एंड एस क्या होंगे, तो यहाँ पे आई और एस की वैल्यू बता रही है, आई और एस क्या है, इसके लिए भी आप देखिए फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे जो हमने आपको सेकेंड वी के लिए फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म के लिए जो फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल इन वी लिख लीजिए या नॉर्मल फॉर्म लिखिए, फॉर्मूला क्या था देखिएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा प्लस का, प्लस में आएगा ब्रैकेट में आएगा क्यू, माइनस का आएगा वन बाई फोर पी स्क्वायर, माइनस का ये आएगा वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स, एंड ये देखिए मल्टीप्लाई में चलेगा वी एंड इक्वल में आएगा एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन में वन बाई टू आएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा पी डी एक्स, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे देखिए, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में देखिए इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई कह रहा तो हम लोग आई लिख लेते हैं, तो आई एंड मल्टीप्लाई में बी, और इसे भी हम लोग लेट कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस इक्वल में क्या आएगा एस। अब देखिए ये और ये क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंट नहीं है, आप यहाँ पे बस लिख दीजिएगा वेयर आई इक्वल टू क्यू माइनस का वन बाई फोर पी स्क्वायर एंड माइनस का सॉरी वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये तो होगी आई के लिए, और एस के लिए लिख दीजिएगा एस इक्वल टू एक्स ई की पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बस थोड़ा सा चेंज करा, क्या इस पूरी वैल्यू को हमने लेट कर लिया आई और इस पूरी वैल्यू को हमने लेट कर लिया एस, और लिख दिया वेयर आई इक्वल टू ये एंड एस इक्वल टू जो वैल्यू लेट कर रखी थी, ठीक है। अब यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा सेकंड में, एक तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है आर, तो चाहे तो आप इसके इक्वल में जब आर चल रहा है तो यहाँ पे एक्स की जगह बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा आर, जब आर हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए लिखा है गिवन वाई, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वही दे रखी है जो नॉर्मल एंड वी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, बस यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू आई लिख दी है और इसे इन्होंने एस लेट कर, क्योंकि इन्होंने इसी की वैल्यू कही, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो भाई हमें फॉर्मूला पता तो हमने लिख दिया एंड आई और इसे जब कंपेयर करा तो आई की वैल्यू ये आ रही है, एस की वैल्यू यही, देखिए आपका आंसर आ रहा होगा आई और एस पूछेगा तो आई देखिए क्यू माइनस का बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे उन्होंने पहले लिख दिया इसे बाद में लिख दिया, कि माइनस दोनों के दोनों वैल्यू माइनस में, तो माइनस का वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस का पी स्क्वायर बाई फोर ये देखिए माइनस का पी स्क्वायर बाई फोर लिखा है, ये किसकी वैल्यू है आई की, तो देखिए हमें लिख दिया वेयर आई इक्वल टू ये वैल्यू एंड अब चलिए एस की वैल्यू चेक करते, तो एस इक्वल टू देखिए क्या लिखा है आर ई की पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन में पी डी एक्स आ रहा है, हम लोग की वैल्यू जो आई वो एक्स में आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन चलती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस का आएगा क्यू वाई इक्वल में हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग एक्स लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अब आर लिखा था तो आर से मल्टीप्लाई करनी है, बस इतना सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो एस एस की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही, आर ई की पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, देखिए ऐसे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे आई और वी लिखा है, मान लीजिए आई वी की जगह यहाँ पे ये लोगों लिख दिया डी वी लिख दिया क्यू लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट मान के चलिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्मूला एडजस्ट कर सकते हैं, आप वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखी है सेकेंड ऑर्डर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का फाइव है, देखिए यहाँ पे ये देखिए पूरी इक्वेशन सेम दे रखी है, बस इक्वल में यहाँ पे जीरो चल रहा था, यहाँ पे इक्वल में चल रहा है सेक एक्स एंड ई की पावर एक्स। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा गया इज द गिवन वाई
गिवन में एक इक्वेशन दे रखी, कौन सी इक्वेशन है ये आपको देखना है, कौन सी इक्वेशन है जिससे हम लोग वी फाइंड करते थे, यानी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वी की इक्वेशन दे रखी, वेयर एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था आई और एस, क्या कह रहा था आई और एस बताइए, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स और वाई बताइए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो भी दे रखा आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पे आई और एक्स और वाई की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू वैल्यू सिक्स और वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स तरह का, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं बताई, ये तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया, यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन दे रहे हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इन्हें वैल्यू फाइनली बतानी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या हमें एक्स और वाई फाइंड करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन, आपको पता है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आप लोग रफली सॉल्व करके जरूर देखिए, डायरेक्ट टिक मत करिएगा किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कंपेयर कर लेंगे पी क्यू एक्स, तो पी इक्वल टू माइनस का आ जाएगा टू टेन एक्स। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, बस यहाँ पे इक्वल में जीरो चल रहा था, यहाँ पे इक्वल में चल रहा है सेक एक्स ई की पावर एक्स, तो p की वैल्यू माइनस का टू टेन एक्स आ गई है, q की वैल्यू आ रही है यहाँ पे फाइव, एंड x की देखिए यहाँ पे हम लोग x लेके नहीं चले क्योंकि क्यों नहीं लेके चले, देखिए x और y तो हमें फाइंड भी करने, तो x की जगह कुछ और लेट कर, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में r दे रखा तो इक्वेशन में हम लोग r लेट कर, तो r इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x, सॉरी r इक्वल टू आ जाएगा sec x e की पावर x, sec x e की पावर x। देखिए p q r की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें x और y, तो x और y फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल v का फॉर्मूला हो उसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको ध्यान होगा dp अपॉन dx की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके dp अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं, एंड इक्वल देखिए माइनस का टू आएगा, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला होता है d2v टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे x और y हमें मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वहाँ पे जनरल फार्मूले की बात हुई तो हम लोग सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला ही हमारा आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें टेन एक्स यानी कि पी क्यू एक्स की वैल्यू दे रखी, तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें जो फाइनल आंसर होगा वही, वहाँ से हम लोग कंपेयर करके x और y की वैल्यू रख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे क्यू आएगा, माइनस का वन बाई फोर आएगा, पी स्क्वायर आएगा, माइनस का वन बाई टू आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स आएगा, एंड मल्टीप्लाई में वी इक्वल में आएगा आर ई की पावर इंटीग्रेशन में वन बाई टू आएगा पी डी एक्स आएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना हमने एक्स की जगह आर लेके चल रहा है, तो सभी की वैल्यू पुट कर देते तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटेड लिखा रहेगा, प्लस में आ जाएगा q, q की वैल्यू दे रखी है फाइव, माइनस का वन बाई फोर एड्रेस देगा, पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है माइनस का टू टेन एक्स, यानी कि हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, तो मल्टीप्लाई में आएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, माइनस का वन बाई टू आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स की अभी हम लोगों ने जस्ट वैल्यू निकाली, माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड मल्टीप्लाई में बी चल रहा है आर की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है, तो आर की वैल्यू आ रही है सेक एक्स ई की पावर एक्स, एंड मल्टीप्लाई में चला ई की पावर इंटीग्रेशन वन बाई टू आ रहा है, पी की वैल्यू ये दिखी हुई है माइनस का टू टेन एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का टू टेन एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए टू से टू हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ओनली यहाँ पे इक्वल में क्या मिलेगा सेक एक्स ई की पावर एक्स, एंड ई की पावर में आएगा माइनस का टेन एक्स डी एक्स, उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे फाइव आएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है ओनली माइनस का, सॉरी माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली बचेगा टेन स्क्वायर एक्स, तो ये देखिए हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में वी चल रहा है और इसके इक्वल में आप इसे लेके चलेगा, एंड इसे फिर से सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर किसी एक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा करेंगे हम आपको बता, आप लोगों ने जो हिंदी मीडियम से होंगे सर्व सभी का बढ़ रखे होंगे तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, जिसे नहीं पता है वो नोट में लिख ले, और यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे पहले तो ये एट द लिख देंगे डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे फाइव एट द रहेगा, माइनस का
टेन स्क्वायर एक्स, इसमें अब देखिए sec स्क्वायर प्लस का निशान है, sec स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड बी देखिए मल्टीप्लाई में एड टू जेड, इक्वल में जो वैल्यू चल रही है उसे एड टू जेड लिख देंगे, यानी कि sec x e की पावर x, और इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया था log sec x, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस का log sec x, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, देखिए टेन स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, क्योंकि साइन कॉस टेन ये कैंसिल करके नहीं दिखाने होते, आप डायरेक्ट इसे कैंसिल करिएगा, वन और फाइव क्या हो जाएगा सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा सिक्स, और ये वी मल्टीप्लाई में एडिटिव लिखा रहेगा, ये आ जाएगा सेक एक्स ई की पावर एक्स, और ये देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर में लॉग सेक एक्स की पावर माइनस का वन, और e की पावर log इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे ओनली बच जाएगा sec x e की पावर x, और ये देखिए sec x लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में यानी कि पावर ऊपर है, तो माइनस में अपॉन में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगा sec x, और ये वैल्यू हो जाएगी sec x, हो जाएगा sec x कैंसिल, यानी कि ओनली जो हमारा वैल्यू बच रही है वो देखिए क्या बच रही है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है यहाँ पे सिक्स वी इक्वल में आ रहा है ई की पावर एक्स, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ रही है, और इक्वेशन हमें किससे कंपेयर करनी, इससे कंपेयर कर लेंगे, तो चलिए कंपेयर करते हैं, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्लस का, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह बस क्या लिखा है सिक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई सिक्स, उसके बाद देखिए वी एड टू इक्वल में क्या वाई लिखा है, वाई की जगह क्या लिखा ई की पावर एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू क्या होगा ई की पावर एक्स, यानी कि ये आपका आंसर कैसा है राइट आंसर है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जिनके पेपर एमसीक्यूज है, और जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है वो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने यू फाइंड कर दिया है, तो आपको क्या करना है नॉर्मल वी यानी कि वी की वैल्यू फाइंड करते हो, यू इक्वल सॉरी वाई इक्वल टू यू वी का फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों की वैल्यू पुट करिएगा, आंसर चेक करिएगा, एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे सब आप सॉल्व कर सकते हैं जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हो, प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है नॉर्मल डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल में जीरो इज गिवन वाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि एंड जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हो उसे सॉल्व करें, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व कर लें, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, चलिए इसे सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या दे रखी है डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी डी टू वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस में देखिए लिखा हुआ है वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल में क्या लिखा हुआ है जीरो। अब देखिए ये इक्वेशन दे रखी, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जिसका पेपर डिस्क्रिप्टिव उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चलिए इसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन, सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का रूल अप्लाई करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाले के इसे मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट वाले को रोकेंगे यानी कि फर्स्ट वाले को एट अदर लिख देंगे, और इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी तो सेम वही मेथड रहेगा जो नॉर्मल फॉर्म के लिए होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एन प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इस वाले टर्म को एडिटर लिख लेंगे यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स एडिटर दिखा रहेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा टू कॉस एक्स एंड कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, वो भी क्या उसका माइनस का, प्लस का निशान लगाएंगे, वाई एडिटर लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स एडिटर रहेगा इक्वल में आएगा जीरो। उसके बाद देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा होगा, यहाँ पे देखिए क्या कोफिशिएंट क्या चाहिए वन चाहिए, कॉस स्क्वायर से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स एटीजेड लिखा रहेगा, कॉस स्क्वायर से कर रहे डिवाइड, तो टू कॉस एक्स माइनस का साइन माइनस मल्टीप्लाई में साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ओनली बचेगा वाई इक्वल में आएगा जीरो। देखिए कॉस से एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे,
देखिए कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, यहाँ पे माइनस का, सॉरी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ पे देखिए ओनली वन कॉस बचा, यानी कि कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, टेन, यानी कि यहाँ पे आएगा टू टेन एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स एंटीजर लिखा रहेगा, प्लस का वाई इक्वल में आएगा जीरो। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो भाई पी की वैल्यू बताइए क्या होगी, पी इक्वल टू आएगा माइनस का टू टेन एक्स, क्यू इक्वल टू आएगा वन, एक्स इक्वल टू आएगा जीरो, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे आर लेके चलेंगे, तो आर इक्वल टू क्या आएगा जीरो। तो देखिए पी क्यू आर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यानी कि हम लोग क्या फाइनल जो हम लोग वी की वैल्यू, यानी कि नॉर्मल इन वी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, उसे अप्लाई करें तो फॉर्मूला होता था डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस का आएगा यहाँ पे क्यू, माइनस का आएगा वन बाई फोर पी स्क्वायर, माइनस का आएगा वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई में वी आएगा और यहाँ पे आएगा आर ई की पावर, इंटीग्रेशन में आएगा वन बाई टू पी डी एक्स, यही फॉर्मूला हम लोग अभी तक अप्लाई कर रहे थे, क्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसे चेक करिए, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, जब आर की वैल्यू जीरो दे रखी है तो यहाँ पे आर जब रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो इसे हम लोग कर देंगे डायरेक्ट जीरो, तो इक्वल में क्या चल रहा है जीरो, वी एटीजर लेकर यहाँ पे डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटीजर लिखा रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे, क्यू की वैल्यू दे रखी है वन, माइनस का वन बाई फोर, पी का स्क्वायर करेंगे, पी की वैल्यू ये देखी हुई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, माइनस का वन बाई टू एट, अब देखिए यहाँ पे पी का हमें निकालना है डी पी अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, पिछले क्वेश्चन में हम आपको आपको इसका डिफरेंशिएशन बता चुके हैं क्या आ रहा था, डी पी अपॉन डी एक्स का आ रहा था माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स, बी चल रहा है मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर लीजिए, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू से टू भी कैंसिल, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटीजेड रहेगा, प्लस में आ जाएगा वन, माइनस का आएगा टेन स्क्वायर एक्स, प्लस में आएगा वन, प्लस का आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस का सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है वी, इक्वल में चल रहा है जीरो। जो अभी हमने आपको सर्वसमिका का यूज़ किया था सेम उसी फॉर्मूले का यहाँ पे फिर से यूज़ करने वाले हैं, सेक की स्क्वायर जगह सेक स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटीजेड लिखा रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे वन, माइनस का लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे प्लस में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड वी एटीजेड रहेगा, इक्वल में चल रहा है टेन स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर कैंसिल, वन वन हो जाएगा टू, यहाँ पे आएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड प्लस में आ जाएगा टू वी, इक्वल में चल रहा है जीरो। कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करना है, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, प्लस का आएगा सॉरी एक्स वी, एक्स आएगा वी आएगा इक्वल में आएगा वाई, एक्स और वाई कंपेयर करेंगे, एक्स इक्वल टू आ रहा है टू, वाई इक्वल टू आ रहा है जीरो, देखिए ये देखिए एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू जीरो। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करें, जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए अब हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फाइव, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिखाएं नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन दे रखी है गिवन वाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से हमें वाई एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक्स और वाई भी फाइंड करेंगे, ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फाइव में भी सेम वही मेथड अप्लाई होने वाला, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखिए पी क्यू एक्स सॉरी आर कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई फाइंड करने के लिखा तो आर कंपेयर कर लिए, कंपेयर करने के बाद पी का कर दिया डिफरेंशिएशन डी पी अपॉन डी एक्स में, क्योंकि एक्स और वाई के लिए हमें क्या वी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने कंपेयर करा है तो कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू ये आ रही, आर की वैल्यू जीरो आ रही, पी की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू, पी का करने वाले हैं डिफरेंशिएशन वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, वन अपॉन देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखा हुआ माइनस का वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू, माइनस एटीजेड रहेगा एक्स की पावर ऊपर जाएगी, एक्स की पावर माइनस का हो जाएगा वन बाई टू, उसके बाद क्या करेंगे माइनस एक्स की पावर माइनस के एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की सॉरी एन एक्स की पावर एन माइनस का वन, जब पावर ऊपर है तो माइनस का वन सबसे पहले माइनस का वन एटीजेड रहेगा, माइनस का आएगा वन बाई टू, एंड ये चल रहा है मल्टीप्लाई में माइनस पहले से ही, एंड एक्स की पावर माइनस का वन बाई टू एंड माइनस का आ जाएगा वन,
माइनस का वन बाय टू माइनस का वन हो जाएगा थ्री बाई टू, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो वन बाई टू आएगा, एक्स की पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, वो भी माइनस का, माइनस की पावर है ऊपर अपॉन में लाएंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी थ्री बाई टू, वो भी प्लस की, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई करें, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस का वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस का वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स पी आर ई की पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो इक्वल में लिखा है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, जीरो के अकॉर्डिंग ये पूरा स्टेप जीरो, तो ये वाला हमने स्टेप कर दिया जीरो। ये वैल्यू एट जेड है कि क्यू की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बचा वन अपॉन फोर एक्स, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक्स की पावर वन बाई टू पहले से ही लिखा था, अपॉन में आ गया फोर एक्स स्क्वायर, तो पावर जब उसे ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस की होगी, माइनस का वन बाई टू, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर आ गई माइनस का फोर माइनस का वन अपॉन में यहाँ पे आ गया टू, टू जो हो गया फोर माइनस का वन और अपॉन में आ गई टू, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का फाइव बाई टू, सॉरी यहाँ पे जब वन बाई टू ये पावर प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यानी कि पावर क्या होगी माइनस का वन बाई थ्री, और माइनस का वन बाई थ्री ऊपर लिखी इसे अपॉन में लाएंगे तो हो गया वन अपॉन फोर एक्स की पावर थ्री बाई टू, जो कि ये लिखी हुई है देखिए। उसके बाद जब इसकी मल्टीपल यहाँ पे करेंगे तो फोर टू सा एट टू अपॉन एक्स स्क्वायर एटीजेड लिख दिया, एंड माइनस का वन अपॉन फोर लिखा हुआ एटीजेड पी स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई, जब वन देखिए एक्स की पावर वन बाई टू इसका करेंगे स्क्वायर तो पावर ये टू से टू कैंसिल, यानी कि बचेगा ओनली वन अपॉन एक्स, और माइनस लिखा हो क्योंकि माइनस का स्क्वायर हुआ तो माइनस हो गया प्लस, वन बाई टू एट जेड लिखा है यहाँ पे वैल्यू हम लोग लगा रहे हैं डी पी अपॉन डी एक्स के, ये लिखे हुए एट जेड वैल्यू दी। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है हमारा वन अपॉन फोर एक्स प्लस का, ये लिखा हुआ वन अपॉन फोर एक्स माइनस का, देखिए मल्टीप्लाई में चला तो वन अपॉन फोर एक्स लिख सकते हैं कैंसिल हो गया, एंड ये देखिए लिखा हुआ है फोर वन अपॉन फोर एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये देखिए टू टू ज़ा फोर वन अपॉन एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये माइनस में है ये प्लस में, तो यहाँ पे ओनली क्या बच रहा है माइनस का टू बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डी वी डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा टू अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में चल रहा है वी इक्वल में आ गया जीरो, कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा एक्स वी प्लस का सॉरी इक्वल में आएगा वाई, जब सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो प्लस में होगा, जब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू आ गई है जीरो, यही आपका हो जाएगा आंसर, इनकी ये राइट आंसर होंगे आपके। तो एम सी क्यूज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, एंड आज का जो हमारा मेथड था वो सेकेंड मेथड था नॉर्मल फॉर्म के लिए, कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नया मेथड के साथ, इसका नाम है चेंज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं आज का मेथड आपको समझ में आ गया होगा, एंड सबसे पहले हमने आपको एसईटी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, एंड जितने भी हमने आपको एम सी क्यूज कराए जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए, सभी एम सी क्यूज में इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको समझ में आ गया, एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।